अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और आप सब लोगों को खेल की शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए इस ट्रॉफी को जीते। धन्यवाद। भारत माता की जय। जापान से हमारे बीच विशेष रूप से पधारे बैटमैन निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सच्ची खेल भावना से भाग लेंगे। और आप राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में उपस्थित हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर आयुषी देशमुख जी, हमारे ऑल इंडिया सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष परम आदरणीय महेश कसवाला जी, गुजरात के विधायक आदरणीय महेश भाई कसवाला, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय, भारत में भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी कि खेल खेलना तो दूर, पड़ोसियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, रिश्तेदारों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, और ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं अब ये मानव जाति पृथ्वी पर रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों को संबल दिया और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, इस मुसीबत इस परेशानी से भी। मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर आयुषी देशमुख जी गुजरात से पधारे भारतीय सॉफ्ट टेनिस महासंघ गुजरात के। जो खुशी को तीन शब्दों में लिखेगा उसे नौकरी दी जाएगी। सब किताब का पन्ना पलटने में लग गया। फिर मैंने लिखी कि बीबी मायके गई, भाई साहब आयोजक ने स्टेज तक उठा के ले गया, माँ के जगह मेरो खूब सम्मान करो और बैंड बाजा के साथ घर के बाहर तक छोड़ के गया। फिर मैं सुबह तक घर के बाहर ही बैठे हो घरवाली ने दरवाजे नहीं खोली। फिर मैंने बगल में से एक पल्ली ला के वो पल्ली बिछा के वहीं पे सोते रहो, रात भर मच्छर और खा गया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। वहां मैंने खुशी खुशी में बोल दी कि बीबी माई के गए, तो खुशी खुशी के चक्कर में ऐसे मुसीबत हो जाए। राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के आयोजन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे डॉक्टर आयुषी देशमुख जी और सांसद जी महेश कसवाला जी और राजू भाई परमार के हाथों से हमने ओपनिंग किया है, और पूरे हिंदुस्तान के लगभग 400 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने यहाँ पे भाग लिया है। कितने राज्यों से यहाँ वैसा यार 23 राज्यों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया है।